ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हेलाइड्स का टॉपिक फिनिश किया है हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस में दो प्राइमरी हेलाइड्स हमने देखे थे एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड पी सी एल थ्री जिसमें फॉस्फोरस ने तीन क्लोराइड्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है और एक हमने फिर देखा था पी सी एल फाइव जिसमें फॉस्फोरस ने पाँच क्लोरिन आइटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है इसके अंदर फास्फोरस ने प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो की हुई है और इसमें प्लस थ्री सो so, इसी तरीके से फॉस्फोरस कुछ ऑक्साइड्स शो करता है एक ऑक्साइड में फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू शो करता है और एक में प्लस सॉरी uh, एक में प्लस थ्री शो करता है और एक में प्लस फाइव शो करता है तो रिस्पेक्टिवली इनके अगर आप ऑक्साइड्स बनाओ तो ये बन जाएगा पी टू ओ थ्री ये इधर नीचे आ गया और ये यहाँ पे नीचे आ गया सिमिलरली अगर इसके साथ में इसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाऊँ तो इट बिकम्स पी टू ओ फाइव सो दिस इज फास्फोरस ट्राइक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इन रियल लाइफ इनके स्ट्रक्चर इतने सिंपल नहीं होते ठीक है ये जो एक्चुअली पी टू ओ थ्री कंपाउंड है ये रियलिटी में जो इसका स्ट्रक्चर है वो पी फोर ओ सिक्स की फॉर्म में होता है यानी इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए टेट्राफॉस्फोरस हेक्साऑक्साइड्स ठीक है टेट्राफॉस्फोरस हेग्जा ऑक्साइड इसका नाम होना चाहिए और इसका नाम होना चाहिए टेट्राक्स टेट्राफॉस्फोरस डेकाऑक्साइड क्योंकि रियलिटी में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये दोनों मोलिक्यूलर सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं पी फोर ओ सिक्स जो है ये एक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये जो पी फोर टेन है ये एक पाउडर की फॉर्म में अगेन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है में, में कर स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं और फिर हम इनके केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे ये इनका स्ट्रक्चर आ गया ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा बट तो इतना ये मुश्किल नहीं है दिस इज बेसिकली पी फोर O6 जिसको हम P2O3 बोल देते हैं जो कि गलत कन्वेंशन है क्योंकि एक्चुअली ये हुआ था कि जब स्टार्ट में ये कंपाउंड डिस्कवर हुआ था ना तो इसकी एनालिटिकल फॉर्म या इसका ये जो एनालिटिकल फार्मूला है ये डिस्कवर हुआ था बाद में फिर पता चला कि एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में P4O6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसे ये नीचे आपको नजर आ रहा है इसमें जो आपको बड़ी बॉल्स नजर आ रही हैं ये जो ऑरेंज कलर में बॉल्स नजर आ रही हैं दीज आर फॉस्फोरस एंड यू कैन सी हर ऑरेंज बॉल जो है ये तीन मजीद बॉल्स के साथ जुड़ी हुई है रेड कलर की ये जो रेड कलर की बॉल्स हैं दीज आर ऑक्सीजन एंड ये जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहे हैं दीज आर फॉस्फोरस एटम्स एंड दिस इज सच अडल इज बेसिकली कॉल्ड अ बॉल एंड स्टिक मॉडल यह आपको बॉल एंड स्टिक मॉडल नजर आ रहे हैं पी फोर ओ सिक्स का और पी फोर ओ टेन का दिस इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड पी टू ओ फाइव इसमें भी आप देखो एक्चुअली जो इसका मॉलिक्यूल है इसमें चार फॉस्फोरस है ठीक है एंड ये जो चार फॉस्फोरस हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात देखो हर फॉस्फोरस जो है उसने वन टू थ्री फोर एंड फाइव बॉन्ड्स बनाए हुए ठीक है जबकि यहां पे आप देखो वन टू एंड थ्री बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ऑक्सीजन तो डेफिनेटली दो ही बॉन्ड्स बनाता है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगी आप यू माइट भी एक इसने इधर बनाया हुआ है एक इधर एक इधर और ये एक्चुअली एक नहीं है ये दो है ठीक है सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि फॉस्फोरस पी फोर ओ टेन के अंदर या जिसको हम गलती से पी टू ओ फाइव कह देते हैं इसमें हर फॉस्फोरस के ऊपर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है और फास्फोरस ने बेसिकली पांच कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं जबकि इसमें जिसको हम फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड कहते हैं इसमें पी फोर ओ सिक्स है और इसकी ऑक्सीडेशन well स्टेट जो फॉस्फोरस की इक्वेट होती है वो प्लस थ्री होती है हर फॉस्फोरस ने तीन बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड से हम कहानी शुरू करते हैं पी टू ओ थ्री या पी फोर ओ सिक्स एक्चुअली ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन हम इनको केमिकल रिएक्शन के अंदर इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसकी जो प्रिपरेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है हम इन दोनों की प्रिपरेशन इकट्ठी देख लेते हैं कि जब आप वाइट फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस आपको याद पड़ रहा है अभी रिसेंट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था व्हाइट या येलो फॉस्फोरस होता है एक जो फॉस्फोरस की सबसे सिंपल फॉर्म है जिसमें यह होता है कि फॉस्फोरस एक टेट्राहीड्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो टेट्राहीड्रॉन के जो चार कोने होते हैं वहां पे चार फॉस्फोरस एटम्स जुड़े हुए होते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहीड्रॉन और हमने देखा था कि इसमें जो आ, ये एक वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो ओवरऑल कलर होता है वो येलोइश वाइट होता है इस वजह से वी कॉल इट आइदर येलो फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस पी फोर मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली तो इन पी फोर मॉलिक्यूल्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करो यानी इफ यू बर्न देम तो आपके पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं अगर तो आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अगर आप या एयर के अंदर आप इसको बर्न करो पी फोर को तो आपके पास पी टू ओ थ्री बन जाता है ठीक है जो भी आपने ऊपर एक स्ट्रक्चर पढ़ा है और अगर आप एक्सेस अमाउंट के अंदर एयर लो और उसका रिएक्शन करो तो फिर आपके पास पी टू ओ फाइव या पी फोर ओ टेन बन जाता ठीक है इट इज अगेन द सेम थिंग एज सेइंग पी फोर के ऊपर आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द चार्ज ऑन फॉस्फोरस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन पी फोर शाबाश कैसे बोला बिकॉज each phosphorus is linked with another phosphorus ठीक है ये tetrahedron जो मैंने बनाया हुआ है इसमें हर phosphorus एक और phosphorus के साथ ये नीचे भी यूं एक line होती है every phosphorus is attached with three more phosphorus and oxidation state overall is zero because it is a molecule मॉलिक्यूल पी यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पी टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिकली फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से प्लस थ्री की तरफ जा रही है दिस इज ऑक्सीडेशन ठीक है विच इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यानी से आपने तीन इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से निकाले हैं या आप ऑक्सीडेशन जो कर रहे हो वो आपने जीरो से थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट तक की है बल्कि अब नीचे वाले पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से प्लस ऑक्सीडेशन हो रही है सो मोर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेसर इन अ लिमिटेड सप्लाई और एयर ठीक है सो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करोगे तो पी टू ओ थ्री बन जाएगा और अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में बर्न करोगे येलो uh, या व्हाइट फॉसफोरस को तो यू गेट पी फोर ओ टेन नाउ लेट्स मूव ऑन फॉस्फोरस ट्राई या पी टू ओ थ्री जो है इसके अब रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन इसके रिएक्शन वेरी वेरी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर पी टू ओ थ्री जिसमें हमने अभी देखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है फॉस्फोरस की प्लस थ्री अगर आप इसके अंदर ऑक्सीजन एड कर दो यानी वही ऑक्सीजन जो आपने पहले लिमिटेड सप्लाई में की थी अगर आप एक्सेस में मजीद डाल दो इसके अंदर ऑक्सीजन सो व्हाट हैपन इज यू गेट पी टू ओ फाइव सिंपली यानी वो दोबारा से ऑक्सीडेशन करोगे तो ये ऑक्सीडाइज होके पी टू ओ फाइव बन जाएगा ओके डज इट मेक सेंस टू यू क्या आपने एक कंपाउंड लिया जो कि कम ऑक्सीडेशन हुई भी थी जिसकी ऑलरेडी उसमें मजीद ऑक्सीजन वापस डाल दिया सो so, वो दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर क्योंकि फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होकर इधर इटेन्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी ठीक है तो अगर उसने उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना है तो फिर लाजमन पी टू ओ फाइव ही बनेगा इसके अलावा इसके मजीद रिएक्शन में यू कैन हैव अ रिएक्शन विद वाटर अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करवाओ तो वट गेट फॉस्फोरस एसिड ऑलरेडी सीन इसकी भी हम थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बात कर लेते हैं फॉस्फोरस एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर इस टेक्निकली फॉस्फोरस के तीन तरफ तीन हाइड्रोसाइड लगे हुए होते हैं ठीक है एंड सच आ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद दिस स्ट्रक्चर पी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ एच एंड यहाँ पे एक ओ एच एंड यहाँ पे एक ओ एच यू कैन सी ये भी बेसिकली एच थ्री पी ओ थ्री ही है और ये जो साइड पे लिखा हुआ है, दिस इज़ आल्सो ये दरमियान में दिस मीन्स के इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद दिस स्ट्रक्चर यानी फॉस्फोरस आइदर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है या प्लस फाइव शो कर रहा होता है ठीक है यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो मूव कर जाता है फॉस्फोरस के ऊपर और एक तरह से बॉन्ड सर्कुलेट कर रहा होता है जिसकी वजह से फॉस्फोरस इन दोनों फॉर्म्स के अंदर फॉस्फोरस एसिड में एग्जिस्ट करते हैं दिस इज बेसिकली एन ऑक्सी एसिड ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक वैसे हमने इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है फॉस्फोरस एसिड अब फॉस्फोरस एसिड जो है H3PO3 अगर आप इसके अंदर से मैं वो वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूं ये जिसमें तीन OH लगे हुए इसके अंदर से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो ठीक है तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस आपने एक H3PO3 लिया और आपने एक और H3PO3 लिया OH, OH, OH। अब आप क्या करो कि इनके अंदर से H2O निकाल दो एक OH यहां से निकाल लो, एक H यहां से निकाल लो, एक वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया सिमिलरली आप एक और OH यहां से निकालो और एक एच यहाँ से निकालो दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपने निकाल दिए आप एक और ओ एच यहाँ से निकालो और आप एक एच यहाँ से निकालो आपने बेसिकली ओवरऑल तीन वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिए किस चीज़ के अंदर से शाबाश हमने क्या लिया था फॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लिए यानी दो मॉलिक्यूल्स लिए एच के ठीक है और मैंने उसमें से क्या किया कि तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया और जब तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग किए तो जो पीछे मेरे पास स्ट्रक्चर बना है व्हाट दिस दो एंड ओवरऑल थ्री ऑक्सीजन एंड ये इस तरीके से आपस में बॉन्ड हो जाएंगे कि देर विल बी फॉर्मिंग पी टू ओ थ्री टू फॉस्फोरस एटम्स एंड थ्री ऑक्सीजन एटम्स इन अगर रियलिटी में बात की जाए तो ये कुछ ऐसे होता है कि चार मॉलिक्यूल्स जो हैं एसिड के सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ़ है पी टू ओ थ्री की बजाय एक रियल मॉलिक्यूल पी फोर ओ सिक्स बन जाता है क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि इसका रियलिटी में मॉलिक्यूल पी फोर ओ सिक्स की फॉर्म में होता है जिसका स्ट्रक्चर हम भी से देख चुके हैं सो दिस इज हाउ फॉस्फोरस एसिड के अंदर से अगर पानी निकाला जाए तो यू गेट पी फोर ओ सिक्स इन अदर वर्ड इस बात को अगर मैं दोबारा एक और अंदाज में बोलूं मैं ये कह सकता हूं कि पी फोर ओ सिक्स इज एन हाइड्रेस फॉर्म ऑफ दिस एसिड ऑल राइट एक ही बात हो गई ना कि पी फोर ओ सिक्स या पी टू ओ थ्री जिसको हम वैसे बोल रहे होते हैं एक्चुअली पी फोर ओ सिक्स होता है इट इज anhydrous. Anhydrous for हाइड्रस and anhydrous for पानी यानी निकाला जा चुका है इट इज anhydrous form फॉर्म ऑफ दिस एसिड यानी एसिड के अंदर से पानी निकाल के जो कंपाउंड बनता है इट इज पी फोर ओ सिक्स सो वन एवर यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ पी टू ओ थ्री इन योर लेटर लाइफ तो इसको नॉर्मली इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि दिस इज अ कंपाउंड विच इज एन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एसिड ऑल राइट इसी रिएक्शन को अगर आप, आप रिवर्ट करके सोचो कि अगर आप फॉस्फोरस ऑक्साइड लो एंड यू एड वॉटर इन टू इट तो डेफिनेटली यू विल बी फॉर्मिंग फॉस्फोरस एसिड इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कि अगर आप पी फोर ओ सिक्स लो और इसके अंदर वॉटर एड कर दो तो डेफिनेटली आपके पास यही चीज दोबारा बन जाएगी एच थ्री पी ओ थ्री क्योंकि इसी के अंदर से तो पानी निकाल के वी गॉट पी फोर ओ सिक्स ठीक है सो दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस टॉकिंग अबाउट अभी तक हम लोग दो किस्म के रिएक्शन देखे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पी फोर ओ सिक्स या पी टू ओ थ्री इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना ये दोनों एक ही चीज है ठीक है दोनों तरीकों से आप इसके रिएक्शन लिख सकते हो इफ यू टेक पी टू ओ थ्री या पी फोर ओ सिक्स एंड यू हैड वॉटर इन टू इट सो अगर आपने पी फोर ओ सिक्स यहाँ पे लिखा था तो आई मेक पी फोर ओ टेन बन जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगी या इन अदर वर्ड्स वर्ड मेक P2O5 बन जाएगा ठीक है और दूसरा रिएक्शन अभी हमने ये देखा है कि अगर P4O6 के अंदर वाटर ऐड कर दिया जाए तो यू गेट H3PO3। And similarly we said कि थ्री पे आपके पास जो के चार फॉस्फोरस हैं तो यहां पे आपके पास चार मॉलिक्यूल्स इसके बनने चाहिए ठीक है और अगर मैं P2O3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो अगेन आपके पास दो मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे और तीन मॉलिक्यूल्स वाटर के बीच में आप ऐड करोगे और ऊपर वाले केस में आपको छह मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करने पड़ेंगे ये दोनों रिएक्शंस इक्वलेंट हैं एक दूसरे के ठीक है यानी अगर चार मॉलिक्यूल्स आप ओवरऑल फॉस्फोरस एसिड के लो तो उसमें से आपको छह वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे और अगर आप दो लो तो ओवरऑल आपको तीन निकालने पड़ेंगे जैसे मैंने ऊपर आपको कहा था हम लोगों ने दो लिए थे एसिड के मॉलिक्यूल्स और उसके अंदर से तीन एच टू ओ कर दिया था वी गॉट पी टू ओ थ्री और टू से मल्टीप्लाई कर दिया दिस इज द रियक्शन ऑफ कोल्ड वॉटर इंस्टेट अगर आप हॉट वाटर का रिएक्शन करवाते हो विथ पी टू ओ थ्री हॉट वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट मेक्स एच थ्री पी ओ फोर यानी इस दफा फॉस्फोरस एसिड नहीं बनता बल्कि ऑर्थो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है ऑर्थो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और साथ में आपके पास फॉस्फिन गैस जो है ये रिलीज होती है विच इज बेसिकली पी एच थ्री फॉस्फोरस के तीन तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर पी एच थ्री और साथ आपके पास एच थ्री पी ओ फोर बन जाता है एच थ्री पी ओ फोर का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन ठीक है इसके अलावा तीन तरफ OH 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 यानी इसमें फास्फोरस ने पांच पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं तीन तरफ हाइड्रोसाइड्स और एक तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सच स्ट्रक्चर इज ऑफ ऑर्थो फास्फोरिक एसिड दिस इज अनदर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस इसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में बात कर लेंगे इसके बारे में सो so, आप जब वाटर ऐड करते हो हॉट uh, वाटर तो टेंपरेचर रेज होने की वजह से H3PO4 आप बनाते हो एक और साथ pH फॉर्म करते हो यादरवर्ड्स पी टू ओ थ्री प्लस कोल्ड वाटर जैसे आपने पहले किया था तो क्या प्रोडक्ट्स आए थे आपके पास शाबाश एच थ्री पीओ थ्री बन गया था एसिड बन गया था और अगर आप यही पूरा रिएक्शन हीट दे के करो सो आपके पास एच थ्री पीओ थ्री की बजाय एच थ्री पीओ फोर बन जाता है और साथ एक, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाता है विच इज पी एच थ्री या फोस्फिन गैस ठीक है इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो नाउ लेट्स मूव ऑन जो आज हमारे दूसरे किस्म के रिएक्शन या पी फोर ओ टेन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसके बारे में आपको बता दूं इट्स अ हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो वॉटर को बहुत रेडिली डिजॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर उनको हम बोलते हैं दे आर हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड ठीक है यानी बहुत जल्दी से नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमोस्फीयर से सो so, इस किस्म के कंपाउंड को हम हाइड्रोस्कोपिक बेसिकली दिस इज अ पाउडर वाइट पाउडर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है पी फोर ओ टेन और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल लेसन की तरह होती है इट हैज अ गार्लिक लाइक ऑर्डर आपको अगर याद हो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी येलो फॉस्फोरस की तो येलो फॉस्फोरस की भी यही प्रॉपर्टी थी कि वो भी गार्लिक लाइक स्मेल होती है इसकी और इसी वजह से पी फोर ओ टेन की भी गार्लिक लाइक स्मेल होती है और पी टू ओ थ्री की भी गार्लिक लाइक -like ही स्मेल होती है पी फोर ओ टेन का अपने कोई स्मेल नहीं होती बट इसके अंदर चूंकि ट्रेसेस होते हैं पी टू ओ थ्री के सो इससे भी गार्लिक लाइक -like ही स्मेल आ रही होती है इसके अलावा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्शंस

शाबाश वी कैन नॉट डू ऑक्सीडेशन इसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी उसके ऊपर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है की प्लस फाइव से ऑक्सीडेशन स्टेट मजीद बढ़ ही नहीं सकती ठीक है सो नो ऑक्सीडेशन और पी टू ओ फाइव के अंदर अगर मैं वाटर एड करने की कोशिश करूं तो फिर क्या होगा थिंक अबाउट इट अगर पी टू ओ फाइव के अंदर वाटर एड किया जाए तो वट यू गेट यू गेट एच PO3. ओ थ्री दिस इज बेटिक बेसिकली कॉल्ड मेटा फॉस्फोरिक एसिड अब आप फर्क बता सकते हो कि P2O3 जब आपने लिया था उसके अंदर आपने कोल्ड वाटर डाला था तो क्या हुआ था कि यू गॉट H3PO3, थ्री पी ओ थ्री विच एसिड और मैंने जब आपको ये वाला टॉप वाली बात पता ही थी तो मैंने आपको कहा था कि अगर फॉस्फोरस एसिड में से पानी को निकाल दिया जाए तो पीछे जो चीज बचती है इट इज पी टू ओ थ्री यानी P2O3 थ्री इज एन एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एसिड इसी तरीके से आप यह कह सकते हो कि पी टू ओ फाइव या फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इज एन एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऑलराइट आई रिपीट

नॉ इफ यू डू द सेम रिएक्शन ये जो भी आपके पास लिखा हुआ है और अगर आप कंडीशन हॉट कर दो पी टू ओ फाइव केस में न पीटू थ्री केस में आपने देखा था कि क्या हुआ था कि एच थ्री पीओ थ्री के बजाय एच थ्री पी ओ फोर बन गया था और साथ में आपके पास फोस्फिन गैस या पी एच थ्री रिलीज हो गई थी ऊपर वाले केस में आपके पास ये होगा कि एच थ्री पीओ थ्री एच पी ओ थ्री के बजाय एच थ्री पीओ फोर ही बनेगा आपके पास ठीक है लेकिन साथ में फॉस्टिन गैस रिलीज नहीं होगी इन अदर वर्ड्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड द सिंपल फॉस्फोरस एसिड जब इनको हॉट कंडीशन के अंदर रखा जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं ठीक है आई रिपीट मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड चेंज इन टू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विच इज थ्री पीओ फोर ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड अपॉन हॉट कंडीशन

वेरी इजी अगेन उसके बाद हमने ये बात की अभी तक हमने जो ओवरऑल बात की कि अगर पी टू ओ थ्री के अंदर वाटर एड किया जाए इन कोल्ड कंडीशन यू गेट फॉस्फोरस एसिड ठीक है और अगर इसी रिएक्शन में कंडीशन हॉट कर दी जाए तो आपके पास ऑर्थो एसिड बन जाता है और साथ में फॉस्फिन गैस रिलीज हो जाती है ये बीच में फिर हमने बात की थी कि ये जो एनहाइड्रस वाली मैंने आपको कहानी सुनाई थी ये वो वाली सारी कहानी है कि फॉस्फोरस एसिड जो है अगर इसमें से वाटर निकाल दो तो आपके पास ये बन जाता है सो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली एनहाइड्रस फॉर्म बात की पी फोर ओ टेन या पी टू ओ फाइव के बारे में हमने इसमें भी यही कहा कि अगर आप इसकी ऑक्सीजन तो आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते ऑलरेडी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है और अगर आप वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करो सो कोल्ड कंडीशंस में आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा विच इज एच पी ओ थ्री एच पी ओ थ्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक तरफ ओ एच लगा हुआ होता है ठीक है यू कैन सी यहाँ पे भी फॉस्फोरस ने पांच ही बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और पी टू ओ फाइव में भी इसने पांच ही बॉन्ड्स बनाए हुए थे और एच थ्री पी ओ फोर में भी इसने पांच ही बॉन्ड्स बनाए हुए हैं एच थ्री पी ओ फोर में कितने बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन OH, OH, OH. This is दिस इज बेसिकली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ये आपके पास है मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऑर्थो और मेटाफोस्फोरिक एसिड दोनों में phosphorus ने पांच बॉन्ड्स बनाए हुए डज इट मेक सेंस टू यू कि यहां पे भी P2O5 में भी पांच ही बॉन्ड्स थे phosphorus के यही वजह है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है phosphorus पेंटा से अलबत्ता पी टू ओ थ्री से मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन ही नहीं सकता उसकी रीजन ये है कि में ने बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं जबकि के अंदर ने बनाए हुए आप तो सिंपली पानी ऐड करो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो है नहीं यानी इसमें यह नहीं हो सकता कि आप पी टू ओ थ्री से मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना दो यू हैव टू फॉर्म फॉस्फोरस एसिड जिसमें सिंपली ये हो रहा होता है कि फॉस्फोरस के साथ तीन तरफ ओ OH लगा हुआ होता है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री ही होती है ठीक है इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस टॉपिक को एक तो फिनिश करेंगे विल टॉक अबाउट फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे रिएक्शन करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एंड फाइनली जो हम काफ़ी देर से मैं आपको बोल रहा था कि ऑक्सी एसिड्स जिसमें फॉस्फोरस एसिड एच थ्री पी ओ थ्री एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर इसके अलावा एच पी ओ थ्री मेटाफॉस्फोरिक एसिड इन मुख्तफ एसिड्स के थोड़े से हम डिस्कशन करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और इन दो के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग देखेंगे